नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। कहते हैं कि दान पुण्य का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार कुछ चीजों का दान करने के बाद आपको उसका फायदा होने के बजाय नुकसान होने लगता है। मतलब कुछ चीजें दान करने से ना तो आपका भला होता है और ना ही लेने वाले का भला होता है। इसलिए ऐसी कौन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए, इस बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको जीवन भर पछताना भी पड़ सकता है। यहाँ हम आज आपको बताएंगे कि किन चीजों का दान आपको नहीं करना चाहिए। कभी भी धारदार या नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची आदि कभी दान में ना दें, क्योंकि इससे आपका भाग्य बुरा होने लगता है और घर के सदस्यों के बीच आपसी संबंध खराब होने लगते हैं। अगर आप इस्तेमाल में लाए हुए कपड़ों का दान किसी पंडित या धर्म वाली जगह पर करते हैं तो लक्ष्मी जी आपसे अप्रसन्न होकर मुंह फेर लेती हैं, जिस कारण आपको बाकी का जीवन तंगी और पैसे की कमी में गुजारना पड़ सकता है। कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका दान व्यक्ति के लिए अशुभ और नुकसानदेह हो सकता है। इससे घर में जमा पैसा खत्म होने लगता है। कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबें दान करने से बचनी चाहिए, क्योंकि इन्हें दान करना अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुका तेल दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शनिदेव की कृपा होने के बजाय आप पर शनि का बुरा असर पड़ सकता है। प्लास्टिक की चीजें दान करने से घर और व्यवसाय दोनों में नुकसान होने की प्लास्टिक की चीज दान करने से घर और व्यवसाय दोनों में होने की संभावना होती है, इसलिए कभी भी प्लास्टिक की चीजें दान ना करें। कभी भी स्टील के बर्तनों को दान में नहीं देना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा होने लगता है, जिससे सुख शांति चली जाती है। जब भी आप खाना दान करें तो ताजा खाना दान करें। अगर आप बासी खाना दान करते हैं तो इससे आपको नुकसान होने का खतरा होता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।